पुलिसिया कार्यवाही को लेकर एक बार फिर खाकी पर सवालिया निशान लगे हैं। एक महिला ने घरोंडा पुलिस पर उसके पुत्र को नाजायज हिरासत में रखने व थर्ड डिग्री टॉर्चर करने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला का आरोप है कि पुलिस ने पूछताछ के नाम पर उसके बेकसूर बेटे की बुरी तरह से पिटाई की है। पुलिस के टॉर्चर से गंभीर हालत में पहुंचे युवक को इलाज के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। पीड़िता ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री व SP करनाल को दी है। सेवा सुरक्षा सहयोग का दावा करने वाली हरियाणा पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। करीब 8 माह पहले एक लड़की को भगा ले जाने के मामले में की गई पुलिसिया कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। मानव अधिकार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने न सिर्फ एक युवक को अवैध रूप से हिरासत में रखा बल्कि पूछताछ के नाम पर थर्ड डिग्री तक दे डाली। पुलिस के टॉर्चर और पिटाई से युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। जिला सोनीपत के मेहमदपुर गांव की रहने वाली महिला गुड्डी देवी का आरोप है कि 8 महीने पहले उसका छोटा बेटा परमजीत एक लड़की को लेकर फरार हो गया था। इस मामले में पुलिस ने कई बार उनसे पूछताछ की लेकिन उन्हें गायब हुए युगल के बारे में कोई जानकारी नहीं। महिला के मुताबिक बीती 3 जनवरी को घरोंडा थाने के ASI बलवान सिंह ने उन्हें पुलिस स्टेशन में बुलाया। महिला ने बताया कि उसके पुत्र अमरजीत के खिलाफ कोई शिकायत घरोंडा थाने में दर्ज नहीं है। बावजूद इसके पुलिस ने अमरजीत को पूरी रात हिरासत में रखा और अगले दिन बलवान सिंह ASI उसे करनाल लेकर चले गए। शाम करीब 7 बजे जब अमरजीत को वापस घरोंडा थाने लेकर आए तो वह चलने फिरने में पूरी तरह से असमर्थ था। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मैं उसे लेकर घरोंडा सरकारी अस्पताल में गई। महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस ने अमरजीत पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया जिससे उसकी हालत बिगड़ गई थी। पुलिसिया कार्रवाई और थर्ड डिग्री दिए जाने से आहत महिला गुड्डी ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री मनोहर लाल व SP करनाल को की है। क्या नाम है आपका? अमरजीत है जी। तो कैसे क्या घटना हुई आपके साथ? जी बलवान SI ले गए थे मेरे को जी, एक रात घरोंडा रखा जी मैं, ठीक है। सुबह को मेरे को ले गए जी करनाल से आई है मुझे, ठीक है जी। 5 बजे थी वहाँ रखा जी, 5 बजे मेरा रिमांड ले गया जी वहाँ पे। हाँ जी, तो क्या बातचीत पूछ रहे थे आपसे, क्या मामला था? लड़की का मामला था जी। जी यहाँ तक फरार हो गया था वो, और तक घर तक गया था, घर तक जाए बाद दे। तो फिर मैं बोली मैं कहा भाई किंगा जागा, उन्होंने बोला मैं घरोंडा जाऊंगा। फिर वो उसने फोन बंद कर लिया, फिर वो उन्होंने फोन नहीं उठाया मेरा, फिर वो चला गया। तो उसके बाद मामले ने मेरा वो कित गया। तो कितने महीने से गायब है वो? 8 महीने से गायब है। अच्छा हाँ, तो अभी आपके बेटे के साथ क्या हुआ जो पुलिस ने किया? यो मेरा बेटा बुलाया गया है, मैं भी बुलाई गई हूँ। क्या नाम है आपके बेटे का? अमरजीत। अच्छा हाँ, अमरजीत। किसने बुलाया? SI ने, घरोंडा पुलिस ने। हाँ, घरोंडा पुलिस ने बुला कर और फिर एक रात तो रखा यहाँ घरोंडा, और फिर तड़की ले गए उठा कर। मैंने बात भी करवाई, उसने मेरी कोई सुनिया ही नहीं। मैं बोली मैं जी कहाँ ले जा रहे हूँ, बोला कि माम तुझ पर पूछताछ का अत्तर ले जा रहे हैं। तो फिर इसका रिमांड लिया गया वहाँ जाए पर्चा। मेरे लड़के की चोरी चाड़ी टांग पाड़ी गई है और ऊपर कई कई जने खड़े हुए हैं, ठीक है। मेरा लड़का ने बोला नहीं तो मैं गोली खा कर मर जाऊंगा, मैं नहीं आते ले चल मेरे जी। माम ने पता ही नहीं कोई क्या है बात। से अलग एक और मुद्दा है, मेहमदपुर गाँव उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने अमरजीत नाम के एक व्यक्ति को उठाकर थर्ड डिग्री दी है, क्या मामला करी? नहीं ऐसा कोई उसको पूछताछ के लिए बुलाया, थर्ड डिग्री वाली कोई बात नहीं। उन्होंने उसके जो लड़के उसकी डेड बॉडी गुहाना मिली थी उनको उन्होंने शक किया, जाहिर किया था भी हो सकते हैं इन्वॉल्व हो, तो उनको बुला के पूछताछ की गई थी। उस टाइम उदयी भी थे और आरोपी पक्ष भी था और साथ ही उनको हैंड ओवर कर दिया था।